दोस्तों जैसे कि पता होगा कि इस टाइम पर टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां पर इस टाइम पर इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज ए के बीच 3 दिनों का टेस्ट प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है, यानी कि 3 डे प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। और इसमें टीम इंडिया की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है, एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है टीम इंडिया। आपको बता दें कि जहां सबसे पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने काफी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया, तो इसके बाद अब टीम इंडिया के गेंदबाजों ने भी काफी शानदार परफॉर्मेंस किया है। जहां पर वेस्टइंडीज ए टीम के खिलाफ 3 दिवसीय अभ्यास मुकाबले में भारतीय टीम काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिए हैं और टीम की कुल बढ़त 200 रनों के पार हो गई है। कप्तान अजिंक्य रहाणे 20 रन और हनुमा विहारी 48 रन बनाकर खेल रहे हैं और आज के मुकाबले का अंतिम दिन होगा। पहले दिन 5 विकेट के नुकसान पर 297 रन बनाने के बाद भारत ने अपनी पारी घोषित कर दी थी और दूसरे दिन की शुरुआत वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी के साथ हुई। ईशांत शर्मा ने भारत की पहली सफलता दिलाई और वेस्टइंडीज ने 16 रनों के कुल योग पर अपना पहला विकेट गंवाया। कॉयम हार्ज ने 51 रन बनाए। इनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर सका और वेस्टइंडीज की टीम 181 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए ईशांत शर्मा, उमेश यादव और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट झटके। भारत ने पहले पारी में 116 रनों की बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन दूसरे पारी में भी उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही है। मयंक अग्रवाल एक बार फिर से 13 रन बनाकर बनते चले हैं। इससे पहले पहली पारी में भारत का स्कोर एक समय 3 विकेट के नुकसान पर 53 हो गया था, लेकिन रोहित शर्मा और जितेंद्र पुजारा की पारी को संभालने के काम आया। दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर खेलते हुए 4th विकेट के लिए 132 रनों की साझेदारी की। टीम का कुल योग 185 पहुंचने पर रोहित शर्मा 68 रन बनाकर आउट हुए। पुजारा ने लगातार वेस्टइंडीज गेंदबाजों को परेशान करना जारी रखा और अपना शतक भी पूरा कर लिया था। तो गाइस सब कुछ मिलाकर जहां भारतीय टीम ने पहले इनिंग्स में 5 विकेट खोकर 297 रन बनाकर डिक्लेयर कर दिया था, उसके बाद जब वेस्टइंडीज की टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो सिर्फ 181 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई थी। तो इसके बाद जब भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने आई तो टीम इंडिया इस टाइम पर 84 रनों के स्कोर पर 1 विकेट खो चुकी है, जहां पर मयंक अग्रवाल 13 रनों के स्कोर पर आउट हो गए थे जल्दी। लेकिन इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे, वहीं इसके बाद हनुमा विहारी इस टाइम पर मैदान पर टिके हुए हैं और इस टाइम पर भारतीय टीम जो कि 200 रनों की बढ़त पर बनाकर खेल रही है। जहां पर अजिंक्य रहाणे 95 गेंदों का सामना किए थे और 20 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो वहीं हनुमा विहारी जो कि 84 गेंदों का सामना करके 48 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस टाइम पर डे टू स्टंप हो चुका है और ये आज 3रा दिन होगा, आखिरी दिन होगा। आपको बता दूं कि 3 डे प्रैक्टिस मैच के लिए टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली कप्तानी नहीं कर रहे हैं और ना ही वो मैच खेल रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इंजर्ड हैं। ऐसे में इस मैच के लिए वो आराम पर हैं। उसके बाद जब 22 अगस्त से इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैचों की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि पहले टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अभ्यास मैच में वेस्टइंडीज ए के खिलाफ इस टाइम पर अजिंक्य रहाणे कप्तान हैं। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपना राय जरूर दें। दोस्तों आपके हिसाब से क्या टीम इंडिया ये 3 दिनों का टेस्ट प्रैक्टिस मैच जीत पाएगी या फिर नहीं।